नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने एक बार फिर से बवाल मचा के रखा है। यही नहीं, राज कुंद्रा की वजह से बॉलीवुड की एकता कपूर जो हैं वो भी फंसती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दूं कि KRK द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है और इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि राज कुंद्रा ने कुछ टाइम पहले ही ये बोला था कि राज कुंद्रा जो है वो गिरफ्तार होगा, लेकिन राज कुंद्रा जिस दिन गिरफ्तार होगा उसके जस्ट बाद जो है वो एकता कपूर जो है गिरफ्तार होंगी। सबसे बड़ी बात कि राज कुंद्रा जो है अश्लील वीडियो अपलोड करने के जुर्म में अभी जेल में है। अब बात आई एकता कपूर की। जैसे ही KRK के द्वारा इसको शेयर किया गया उसके बाद पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से एकता कपूर के ऊपर सवाल उठने लगे। आखिरकार आपने देखा ही है कि एकता कपूर के भी जो भी वेब सीरीज आती हैं, जो भी मूवी आती हैं, उसमें कितना अश्लीलता दिखाई देती है, जिसके बाद लोगों द्वारा सवाल उठने लगे। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हाँ, एकता कपूर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और एकता कपूर के खिलाफ भी सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हो सकता है कि उनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर राज कुंद्रा ने आखिरकार ऐसा कैसे बोला, क्या उसको ये बात इस बात का कंफर्मेशन पहले से ही था कि वो जो है गिरफ्तार होगा, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज जो होता है वो बहुत पहले से ही कर रहा था। मतलब कि वो बहुत पहले से इस केस में इन्वॉल्व था और उसको इस बात का कंफर्म था कि वो जो है एक ना एक दिन गिरफ्तार होगा, लेकिन उसके बाद जो है एकता कपूर भी गिरफ्तार होंगी। लेकिन एकता कपूर आखिरकार किस जुर्म में गिरफ्तार होंगी, आखिरकार राज कुंद्रा ने इस बात को क्यों बोला था, अब इसी बात को लेकर हर जगह पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या एकता कपूर भी इन सारे के सारे चीज़ों में शामिल है, जिसकी वजह से राज कुंद्रा ने इस तरह की बात की थी कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा उसके जस्ट बाद जो है एकता कपूर भी गिरफ्तार होंगी। अभी तक एकता कपूर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी बात है जिस तरह से राज कुंद्रा की ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है ये बातें, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा एकता कपूर के ऊपर भी कार्रवाई की जाए या उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।